नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देशभर में जो आंदोलन चल रहे हैं, उन्हीं आंदोलनों की कुछ यहाँ पर तस्वीरें लगाई हैं जेएनयू के अंदर, जेएनयू के जो छात्र हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन लोगों ने। और इन तस्वीरों की क्या वजह है, इन तस्वीरों को क्यों लगाया गया है, ये बताने के लिए हमारे साथ तनाया है, जेएनयू की छात्र हैं। तनाया, ये जो तस्वीरें हैं ये क्या हैं और क्यों आप लोगों ने यहाँ लगाया? ये फ़ोटोज़ हमें उन दिनों जिन दिनों वहाँ पे शटडाउन था, इंटरनेट शटडाउन, तो एक दो दिन बाद बाद मिल रहे थे, या कुछ तो एक हफ्ते दो हफ्ते बाद मिली हैं ये पिक्चर्स। आर दीज आर फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो वहाँ पे थे, यू मोस्ट ऑफ देम आर ओरिजिनल पिक्चर्स एंड ऑल। सो बात यह कि या पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि मतलब ये बोल रहे हैं कि स्टेट रिप्रेशन हुआ है या पुलिस ब्रुटैलिटी जामिया में हुआ है, कहीं पर हुआ है, पर ये नॉर्थ ईस्ट के आसाम के फोटोज़ बहुत लोगों को नहीं दिख रहे थे। और वी आर प्रोटेस्टिंग इन सो मेनी वेज, मतलब कहीं पर जाके कर रहे हैं, सिट इन कर रहा है, कोई मार्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन हमें लगा कि विजुअल भी एक मीडियम है। अभी यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे एक दो घंटा हो चुका है ये लगा हुआ है, तो बहुत लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तब रियलाइज़ कर रहे हैं कि ओके ऐसा भी हुआ है वहाँ पे। सो दिस इज़ वन ऑफ आर वेज जिसके थ्रू हम लोग मतलब पूरे देश को बताना चाहते हैं कि लॉट ऑफ ब्रुटैलिटी में अंदर, हाँ हाँ ये हुआ था, बिकॉज इंटरनेट शटडाउन भी था, तो बहुत कुछ बाहर नहीं निकला, और हमें अब तक ये पता भी नहीं चला है कि टोटल कितने लोग शायद मरे होंगे, लाइक 8-12 कोई बोलता है, लेकिन द डॉक्टर्स से कि और भी शायद ज़्यादा लाइव्स लॉस्ट हुए हैं। गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है कि जितना सकते हैं रिप्रेस करने की। आसाम में प्रोटेस्ट हमेशा पीसफुली थे, ऐसा नहीं था कि कभी वायलेंट था। इट वॉज बिकॉज कि उस तरफ से ऑपरेशन आया, रिप्रेशन आया, उसकी वजह से वायलेंट हो गया, एंड इट वॉज बेसिकली स्टेट की तरफ से। स्टूडेंट्स या प्रोटेस्टर्स कभी वायलेंट नहीं थे। अभी फिलहाल अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट हमेशा चल रहा है। आज हम लोगों ने ये स्पेशली आज का डेट चूज किया है बिकॉज आज आसाम में एक 24 आवर बंद दिया गया है फॉर द CAA प्रोटेस्ट। सो इन ए वे यू कैन सी कि मतलब प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, लोग अंदर से कर रहे हैं। दे माइट शो नॉर्मल सी, इवन जब ये शटडाउन चल रहा था हमारे मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि बहुत नॉर्मल है, सारा सिनेरियो नॉर्मल चल रहा है एंड ऑल, विच वॉज ऑन ट्विटर एंड ऑन न्यूज़ मीडिया एंड ऑल दैट, बट वी न्यू द रियल थिंग कि नहीं ऐसा नहीं था बिल्कुल। हमें अपने फ्रेंड्स के न्यूज़ मिले थे, कॉल करते तो पीछे हमने गन शॉट के साउंड सुने देते हैं। शुक्रिया। तो ये भी आप लोगों का एक तरीका है कि प्रोटेस्ट का भी, और ये दिखाने का बाकी लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट में असल में हो क्या रहा है। तो तमाम यहाँ पर तस्वीरें हैं, गुवाहाटी से हैं, कॉलेजेस से हैं। ये गुवाहाटी की एक तस्वीर है जिसमें प्रोटेस्टर और पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। जामिया की भी तस्वीरें हैं, AMU की भी तस्वीरें हैं, जिस तरह से पुलिस ने वहाँ भी जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की। और ये एक सिलपुखरी की एक तस्वीर है जिसमें ये जो बुलेट सेल्स हैं वो भी इन तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिन्हें ढांक दिया गया है क्योंकि उन्हें कहते हैं कि ये डिस्टर्बिंग विजुअल हैं, जो घायल हैं उनके चित्र ऐसे हैं जो एक किसी भी आम नागरिक को देखने में रोकते हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इन कवर्स को हटाकर देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि जो तस्वीरें होती हैं वो 1000 शब्दों के बराबर होती हैं, और यहाँ भी जो तस्वीरें हैं वो तमाम कहानियाँ हैं, उनमें तमाम शब्द हैं और उनमें तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब फ़िलहाल ना कहीं हैं ना कहीं से मिलते आते दिख रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन राजेश बड़ानिया के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।